40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जराहक के। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत की संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ी बात है। लूटने की बात भगवान राम के जो पर्याय हैं उनकी थी। भगवान राम मर्यादा का नाम है, भगवान राम न्याय का नाम है, नैतिकता का नाम है, धर्म का नाम है, प्रेम का नाम है। हम लोगों को लगता था बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, उनके मूल्यों को लूटने की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी, अपनी तिजोरी भरने, जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं उस लूट का नाम है। साच को आँच नहीं है और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके महापौर, उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में, जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त हैं। इसी मंच से जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन के बड़ा घोटाला चल रहा है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है, उस चंदे की चोरी हो रही है। और ये काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है, जो भाजपा के नेता भूमाफिया बन गए अयोध्या में वो हैं। और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा ये बात। 40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल हैं। वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे। उस सूची में तमामों अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से, क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई, भाजपा के सांसदों ने मचाई, विधायकों ने मचाई। और इस लूट का लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी। जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर, उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया। घोटाले के मुख्य रूप से तीन बिंदु हैं और तीन बिंदु हैं। चंदा चोरी, आपने कौड़ियों के नाम से दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची, इसमें ट्रस्ट के लोग भी संलग्न रहे, तो चंदा चोरी पहला मामला है। दूसरा मामला है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है, उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। वो सारे के सारे भाजपा नेता हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए, साझा किए। वो MLAs हैं, वो महापौर हैं, वो अधिकारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं। और यही नहीं, और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि यह जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी वो तो अभी जांच के दायरे में है, और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं। तो चंदा चोरी, मुनाफाखोरी और दलितों की जमीन के साथ। और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है, लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है, जिसकी आज अवमानना हो रही है, जिसकी आज अनदेखी हो रही है। अगस्त 2021 में आपकी जानकारी के लिए अयोध्या के महंत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों, भाजपा के विधायक, महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में, की खरीद फरोख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करी।
अयोध्या जो भी व्यक्ति गया है वो जानता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना दर्शन पूरा नहीं होता। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग और धोखा जो किया गया ट्रस्ट के लोगों ने, उसमें चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग थे, उन्होंने तमामों आरोप और शिकायत दर्ज करी है महापौर के खिलाफ, भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 125,000,000 की जमीन खरीदी। उनका ये भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने, वेद प्रकाश गुप्ता जी जो MLA साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4,00,000 की जमीन खरीदी 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी, और बाकी सारी चीज़ें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिलीभगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के IT सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे, और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है।